वेलकम बैक टू खाने के दीवाने फ्रेंड्स, दिस इज योर कोर फूडी और आज आपके लिए कुछ स्पेशल लेकर आई हूँ। मैं आपके लिए कैसी होम रेमेडी लेकर आई हूँ जो आपने इससे पहले मेरे ख्याल से नहीं सुनी होगी और यूट्यूब पर भी नहीं है। मैं एक ऐसी चीज प्रेजेंट करने वाली हूँ खाने के दीवाने एक आपके लिए ऐसी चीज लेकर आए हैं जो आपके लिए और आपके फैमिली मेंबर्स, आपके फ्रेंड्स के लिए, रिलेटिव के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। आज हम प्रेजेंट कर रहे हैं आपके बॉडी में किसी भी नस में अगर आपको ब्लॉकेज है तो वो ब्लॉकेज को हम कैसे ओपन कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, ये एक होम रेमेडी है जो कि मेरी मदर ने कहीं से सुनी थी अपने किसी बड़े बुजुर्गों से और उन्होंने इसको अप्लाई किया, जो कि मेरे फादर ने ही अपने घर में अप्लाई किया था। वो 18 ईयर से हार्ट पेशेंट है। मेरे घर में इस होम रेमेडी का इस्तेमाल होता है फ्रेंड्स, पिछले 5 सालों से मेरे फादर इसी होम रेमेडी को यूज कर रहे हैं और उनको काफी फायदा इससे मिला है। उनको जो सांस लेने में दिक्कत होती थी, उनको सांस चढ़ता था, चलने में उनको जो प्रॉब्लम होती थी, आपकी बॉडी में अगर आपको कहीं पे भी नसों में ब्लॉकेज है तो आप इस होम रेमेडी को यूज कर सकते हो। मेरी फैमिली में काफी लोगों ने इसको यूज किया है और उनको 100% इसका रिजल्ट मिला है। मतलब आपके अगर बैक में ब्लॉकेज है, किसी बैक की नस में आपकी आर्टरीज ब्लॉक है, 90% भी अगर आपकी आर्टरीज ब्लॉक है हार्ट की, तो वो भी इससे ये है कि आपकी आर्टरीज ओपन हो सकती है। डेफिनेटली हमने इसको खुद यूज किया है तभी आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। एक बार मैं आपको मिलवाऊंगी अपने फादर से भी, उनसे भी पूछकर बताएंगे कि कैसे उनको इस रेमेडी से फायदा मिला। रेमेडी को देखने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे पहले वाली मेरी वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अभी मेरी वीडियो को पूरा एंड तक देखना अगर आप इस होम रेमेडी का फायदा लेना चाहते हैं तो। फ्रेंड्स, ये वो पर्सन है जो इस रेमेडी को पिछले 5 साल से यूज इस्तेमाल कर रहे हैं। उसका इनका नाम मिस्टर ओमकार सिंह है। एक बार इन्हीं से बात करते हैं और पूछकर आपको बताते हैं कि कैसे इनको इस रेमेडी से फायदा हुआ और ये किस किस समय पर इस रेमेडी को लेते हैं और क्या इनको इसका पूरा इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं, बताइए सर। ये नमस्कार सारे अपने दोस्तों को। मैं ये दो अपना ये नुस्खा घर पे देसी बना रखा है जो मेरे को 10 साल से हार्ट प्रॉब्लम है और ये दवाई नुस्खा जो दवाई बना रहे हैं नुस्खे की देसी, इससे मेरे को 10 साल से बहुत आराम है, लाभदायक है। इसको मैं रोज़ खाली पेट पीता हूँ 2 चम्मच, नहीं तो 1 चम्मच जो नहीं भाई पी सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते, गर्मी ज़्यादा महसूस करते हैं, उन्हें 1 चम्मच लेना चाहिए। ये चम्मच पीने के बाद 1 घंटा कुछ नहीं खाना और खाने के 1 घंटे बाद खाना है। ये देखो आपको हर कई बीमारियों का ये इलाज है, जैसे सांस की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, ये बहुत ही लाभदायक नुस्खा है, दवाई बना। मैंने सुना है सर आपको डॉक्टरों ने सर्जरी बोला था पिछले 18 साल पहले, तो इसको आपने लिया और आपने सर्जरी करवाई है क्या या फिर आप इसी को ही लेते हैं? नहीं नहीं, मैं सर्जरी नहीं करानी पड़ी, भगवान की दया से मेरे को ना तो जरूरत है ये इसी दवाई से, और मैं देसी दवाई भी हॉस्पिटल की दवाई भी खा रहा हूँ RML से, तो ये नुस्खा भी मैंने घर पे बनाया था 10 साल से, इसे दवाई को मैं पी रहा हूँ। और मेरे को कई बंदों ने, जैसे मैंने अपने दोस्तों को पता, उन्होंने आगे 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 बताया है, तो ये काफी वायरल हो चुका है आपका ये देसी नुस्खा और काफी लोगों ने इसका लाभ भी लिया। चलो फ्रेंड्स, अभी आपको दिखाते हैं। कईयों को बहुत आराम आया, जैसे गर्दन पे बेल्ट लगी है, पेट पे कमर पे बेल्ट लगी है, उनको उन्होंने अपने आप ही बताया ये दवाई पीने से हमारे को बहुत आराम है। तो आप भी इस दवाई को बनाकर पिए, बहुत अच्छी चीज है, भगवान आगे भगवान भला करे। फ्रेंड्स, ये है अदरक, इसको हमने अच्छी तरह से धोकर साफ कर काट लिया है, इसको पीसने के लिए तैयार किया है। और ये है हमारा लहसुन, इसको भी हमने छील के रख लिया है 1 कटोरी। और ये है हमारा शहद और ये है विनेगर सेब का सिरका, ये आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं, ये हमने पतंजलि का लिया है। और ये है नींबू का रस जो कि हमने 1 कप लिया है, इसको हमने सबको समान मात्रा में ही लेना है। अगर 1 कटोरी अदरक, 1 कप नींबू का रस लिया है तो 1 कप अदरक का रस, 1 कप लहसुन का रस लेना है और 1 कप ही सेब का सिरका लेना है। अब हम इसको पीसने जा रहे हैं।
फ्रेंड्स ये हमारा एक कटोरी लहसुन है, एक कटोरी हमने अदरक लिया है और पतंजलि का हमने यहाँ पे शहद यूज किया है जो आप कोई भी कंपनी का यूज कर सकते हो। यहाँ पे हम जो एप्पल विनेगर यूज कर रहे हैं वो भी हमने पतंजलि का लिया है और समान मात्रा में आपको नींबू का रस लेना है। हमने पहले काट कर अदरक को धोकर अच्छे से काट लिया, अब इनको हम लोग पीसेंगे। जब हम लोग इसको पीस लेंगे तो ये बराबर इसी मात्रा में इतना ही इसका रस निकलेगा, एक कप इसका रस निकलेगा। अभी मैं आपको पूरी विधि इसकी दिखाती हूँ। फ्रेंड्स ये हम लोग इसको पीस लिया, हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको लहसुन को पतला किया ताकि हम इसका अच्छे से रस निकाल सके। हल्का हल्का इसमें एक एक चम्मच पानी होगा। ये अब हमारा आ गया है अदरक का रस, ये अदरक का रस हमने इसमें लिया है और हम इसमें मिलाने जा रहे हैं। अब ये हम मिला रहे हैं इसके अंदर हमारा एक कटोरी लहसुन। आप इसकी जो क्वांटिटी है अपने अकॉर्डिंग थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं लहसुन की और अदरक की, अगर आप थोड़ा ज्यादा बनाना चाहते हैं और अगर कम बनाना चाहते हैं आप इसको, अगर आपके पास छोटा कप है, अगर आप कम बनाना चाहते हैं स्टार्टिंग में, अगर आप सोच रहे हैं कि इसको थोड़ा कम बनाकर ट्राई करें तो आप क्वांटिटी इनकी बराबर मात्रा में कम कर सकते हैं। और जो हमारे नींबू के छिलके हैं इसका पैक बना सकते हैं, आपके काम आ जाएंगे। ऐसे ही हमारे अदरक का जो छिलका है उसको धो रखा है हमने, अब चाय में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन को भी जो हमने कर रखा है उसका गुद्दा भी आप सब्जी में यूज कर सकते हैं। अब हमारा जा रहा है इसमें नींबू का रस जो हमने पहले ही निकाल के रखा हुआ था पीस कर। हमारा एप्पल साइड विनेगर से हमने एक कटोरी इसको निकाल लिया है और ये हम मिलाने जा रहे हैं इसमें अपना एप्पल विनेगर। हमने इसको मिला लेना है सब चीजों को, तीनों को, चारों को। मिलाने के बाद हम इसे अब बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद जब इसे ठंडा कर लेंगे फिर हम इसमें मिलाएंगे अपना शहद और इसे बॉईल करते हैं। फ्रेंड्स इसे हमने बॉईल होने के लिए रख दिया है। जब ये बॉईल होकर आधा रह जाएगा तब हम इसे गैस फ्लेम से उतारेंगे और देन उसके बाद इसे ठंडा करने के बाद आधा घंटा हम इसमें अपना मिलाएंगे शहद और फिर इसे छान लेंगे पहले हम, फिर हम इसमें मिलाएंगे अपना शहद। फ्रेंड्स जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि किस तरीके से इस नुस्खे को बनाया जाता है और कैसे इसका इस्तेमाल करना है वो भी हमने आपको बता दिया है इस रेसिपी को और इस नुस्खे को, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज दीजिएगा कि कैसे लगी आपको ये हमारा नुस्खा, कैसा लगा और अगर आपने इसका इस्तेमाल किया है तो आपको इससे कितना बेनिफिट हुआ, ताकि आपको देखकर और आने वाले लोगों को भी इसका लाभ हो सके। हमें कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज जरूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मुझे बताना जरूर, ताकि मैं ऐसी और नई वीडियोस आपके साथ लाती रहूं, आपके आगे लाती रहूं। और खाने के दीवाने को अपना प्यार दीजिएगा।